Today's topic is Pathyapathy and Pediatrics. So I'll be talking on diet for children. So as you know, I mean, I always find it very tricky to explain diet for children because of so many issues. बच्चों के लिए खाना बनाना और बच्चों के लिए बच्चों को खाने लगाना, ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल होती है. जो भी पेरेंट्स हैं, भले वो डॉक्टर भी हो, तो उनको पता चलता है कि बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल का काम है. एंड देन एवरी नाउ एंड देन यू विल बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बाय योर पेशेंट्स कि मैं बच्चों को क्या खाना खिलाना चाहिए, या बच्चा मेरा ये नहीं खाता, वालाना नहीं चीज नहीं खाता. एंड देन लिटरली आई मीन 99% चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू जंक फूड्स. तो उसको जंक फूड देना है, नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, अगर न दें तो उनके अलावा क्या देना है, या फिर बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ किस तरह से लाना है. तो ये सारे सवाल बहुत बार हम इनकाउंटर करते हैं. तो आई होप टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड आई सपोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर आपके सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर पिक्चर. ऑल एवरी एवरी पेरेंट यू नो विशेस टू सी कि उनका बच्चा हेल्दी खाना दे इस तरह से मुस्कुराए और हेल्दी खाना खा के इस तरह से हेल्दी बन जाए. तो ये सबकी विश होती है कि जंक फूड ना खाएं और इस तरह से डाइट हमारा बच्चा फॉलो करे. तो ये ये क्या है, ये फास्ट बहुत बार ये जो वर्ड्स हम सुनते हैं, तो वाकई में ये क्या है, फास्ट फूड क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, वाकई में है, और अगर तो क्या है, तो उनका सॉल्यूशन क्या है. तो ये जो आम जो सवाल हम एज ए प्रैक्टिशनर हमको पूछे जाते हैं या हम खुद भी उनसे जुड़े, तो इनके आंसर्स देने की हम कोशिश करेंगे. तो ये फास्ट फूड की बकायदा जो डेफिनेशन मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी में बताई गई है, तो ये They are called as fast foods. तो अभी हम देखेंगे तो आजकल जो बर्गर, पिज्जा, पैटीज, नगेट्स, फ्राइज, इंडियन फूड की बात करें तो समोसा, वड़ा, पकौड़ा, नमकीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीजें बनती हैं वो सारे फास्ट फूड के कैटेगरी में आ जाएंगे. तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं अलावा फास्ट फूड के, जिसको जंक फूड बोलते हैं, इंस्टेंट फूड है. तो ये सारे जो अलग 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 जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक ही है? तो ऐसा नहीं है, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है. जैसे जंक फूड के बारे में अगर डेफिनेशन अगर उसकी बताई जाए तो उसमें जंक फूड की डेफिनेशन इस तरह से होगी, अ फूड विच इज एनर्जी डेंस. एनर्जी डेंस का मतलब होता है कि जिसमें शुगर, सॉल्ट, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में है और जिसमें न्यूट्रिएंट की वैल्यू जो है बहुत कम है. न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर और मिनरल कंटेंट बहुत कम है, उसका उसका जो समावेश है वो जंक फूड के कैटेगरी में ज्यादातर के किया जाएगा. जैसे कि चिप्स है, चॉकलेट है, आइसक्रीम्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे सभी प्रकार के कोला मिलते हैं, बर्गर्स है, जो भी बेवरेजेस हम लोग बात करें वो, पिज्जा एक्सेट्रा, ये सारी जो बातें हैं ये सारी जंक फूड में आ जाएंगी. तो जंक फूड में जैसे मैं हम अभी पिछले स्लाइड में देखा था, तो उसमें इंडियन फूड भी इसमें जंक फूड में आ जाएगा.
क्योंकि उसमें जो है ना हाई फैट होता है, जैसे हम लोगों ने कोई तली हुई चीज है, समोसा या पकौड़ा हो गया, तो ये सारी चीजें भी है ये जंक फूड के कैटेगरी में आ सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई एक प्लेट पकौड़ा खाता है तो उसमें लगभग हमको 500 कैलोरी एनर्जी या 500 कैलोरी हमको मिल जाती है, कि विच इज इक्विवेलेंट टू 5 रोटी, यू नो 5 रोटीज के इक्विवेलेंट वो हो जाती है। तो मान लीजिए अगर बच्चों को हम लोग पकौड़े की प्लेट देते हैं तो वो यू ही चट कर जाता है, लेकिन उनमें जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो मिलती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो ये हाँ जरा ख्याल जरूर रखना चाहिए। अच्छा, ये दूसरी बात होती है कि ये जो जंक फूड की जो एडिक्शन जो बच्चों को लग जाती है, बच्चों को क्यों, ये बड़ों को भी लग जाती है, तो एडिक्शन जो होती है ना हमेशा ध्यान में रखिए स्वाद की होती है। तो स्वाद उसका बनाने में ही इस तरह से बनता है, या बनाने वाले ने इस तरह से बनाया है कि वो एडिक्शन बन ही जाए। तो ये स्वाद का एडिक्शन होता है, ध्यान में रखिएगा, वो चीज की या वो किसी और चीज की एडिक्शन नहीं होती। बच्चों को जल्दी से जल्दी किसी बात की एडिक्शन लगती है तो वो स्वाद की लगती है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि कौन से मतलब बुराई क्या है, या विच आर द थिंग्स विच आर नॉट टू बी गिवन, एंड देन विल स्लोली एंड स्टडीली कम डाउन टू द पॉइंट हाउ हाउ टू लीव या हाउ टू ब्रेक दिस हैबिट। तो ये ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट कि स्वाद की हमेशा जो है वो लत लग जाती है, टेस्ट की एडिक्शन हो जाती है। तो बाद के स्लाइड्स में वो हम बताएंगे कि वो स्वाद की एडिक्शन कैसे चेंज करनी है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द फूड इज इंस्टेंट फूड। इंस्टेंट फूड दैट इज दैट अंडरगो स्पेशल प्रोसेसिंग टू बी सर्व्ड वंस इट इज डिसॉल्व्ड और डिस्पर्स्ड इन लिक्विड विद लो कुकिंग टाइम। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट विच इज मेड इंस्टेंटली, इट इज नोन एज इंस्टेंट फूड। दिस जनरली कम्स इन अ पैक्ड पैकेज में आएगा वो। फास्ट फूड हमेशा पैकेज में ही आएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंस्टेंट फूड विल ऑलवेज कम इन अ पैकेज। तो आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, बच्चों के टिफिन में भी नूडल्स ने अपनी जगह बना ली है, और बच्चों को एडवर्टाइजमेंट्स जो इश्तिहार जो देखते हैं, खास करके बच्चों के जो चैनल्स होते हैं, जैसे कार्टून चैनल्स होते हैं, उसमें अगर आप कभी ध्यान देखो तो बहुत सारे इश्तिहार, बहुत सारे एडवर्टाइजेस जाते हैं वो इसी प्रकार के आएंगे, तो बच्चों को अलग अलग नूडल्स दिखाएं, बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स की नो वो अलग अलग अच्छे रेसिपीज दिखाते हैं। नूडल्स का तो आजकल ऐसा है कि इट इज प्रोजेक्टेड एज अ कंप्लीट फूड, बहुत जगह पे कंप्लीट फूड करके बताया जाता है, उनमें वेजिटेबल्स है, अलाना है, फलाना है। आप पीछे देखोगे तो उसमें बकायदा उसमें कितने कैलोरी है, कितना न्यूट्रिएंट वैल्यू है, ये सारे दिखाए जाते हैं, विच इज ऑल हम्बक। ये ऐसा नहीं होता, नूडल्स एंड कॉर्नफ्लेक्स ऑल इंस्टेंट फूड्स वेरी बैड, बहुत बुरा होता है, क्योंकि इट इज फिल्ड विद सो मेनी प्रिजर्वेटिव, इट इज सो मेनी एडिटिव्स, बहुत सारे उसमें कलर्स डलते हैं। सो इंस्टेंट फूड इज वेरी अनहेल्जेनिक और अच्छी बात नहीं है। तो नाउ द लास्ट फूड आइटम की एक जो कैटेगरी है उसमें आता है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड विच इज अ रेडी टू ईट फूड और बेवरेजेस प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड बाय हॉकर्स एंड वेंडर्स ऑन स्ट्रीट और एनी पब्लिक प्लेस। रस्ते पे जो भी खाना मिले या रोज रस्ते पे जो भी खाना अगर हम लेते हैं, बेचते हैं, तो वो सारा स्ट्रीट फूड हो जाएगा। अब स्ट्रीट फूड में तो आई नीड नॉट टू से कि उसमें सैनिटेशन का कितना ख्याल रखा जाता है। खास करके मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये बेवरेजेस मैंने जो लिखा है, बहुत सारे जन जो है वो रस्ते पे शिकंजी लेते हैं, शरबत लेते हैं, तो उसमें पानी का जो कंपोनेंट आता है, तो इट इज वेरी नो इट इज वेरी डेंजरस टू ड्रिंक दैट वाटर, क्योंकि ये पानी जो होता है कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, वो कितना साफ सुथरा है, वो बहुत एक बड़ा डाउट है। और खास करके इसमें जो आइस जलती है, तो आइस कोई भी आइस इंडिया में फूड ग्रेड की आइस नहीं आती। तो पिछले कुछ दिनों पहले, मतलब आई थिंक इन लास्ट मंथ देयर वाज एन आर्टिकल, बीएमसी ने बहुत अलग अलग जगह पे ये आइस के सैंपल लिए थे, और उनमें लगभग सभी सैंपलों में कम ज्यादा मात्रा में ई कोलाई की मात्रा पाई गई थी। ये जो सैंपल्स लिए गए थे ये सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स के पास से नहीं लिए गए थे, ये बकायदा जो बड़ी बड़ी जो मैकडोनल्ड्स करके या मैकडोनल्ड की चेन होती है, अलग अलग जो बर्गर्स के चेन होते हैं, उनसे भी वो सैंपल लिए गए थे, और उनका भी जब तपास किया गया, उनके जब रिकॉर्ड लिखे लिए गए, तभी यही चीज पाई गई कि दे कंटेन लॉट ऑफ इकोलाई। सो इट इज वेरी बैड टू ड्रिंक बेवरेजेस आउटसाइड द फूड आउटसाइड एनीवेयर। सो
तो ये घर में अगर नींबू शरबत हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को मालूम है कि उसमें हम पानी कौन सा लेंगे, उसमें हम अच्छा सा मतलब कुदरती जो नींबू है वही डालेंगे और उसमें शक्कर मिलाएंगे। दूसरी वही बात आती है कि बेवरेजेस में अगर हम लोग शरबत वगैरह पीते हैं तो उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए, उसका रंग डालने के लिए जो अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो बहुत हानिकारक होता है, खास करके बच्चों के लिए। ये एक जंक फूड की एक स्पेशल एक परिभाषा है। तो एनी फूड विच हैज HFSS, तो HFSS का मतलब होता है कि विच इज हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर। तो ऐसे कोई भी पदार्थ है विच आर वेरी रिच इन फैट, वेरी रिच इन सॉल्ट एंड वेरी रिच इन शुगर, दे आर ऑलवेज बैड फॉर अवर हेल्थ। दिस इज गिवन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग, मैं जब बात करता हूँ कभी मेरे पेशेंट के साथ में या कभी मेरे स्टूडेंट के साथ में, तो हमेशा एक आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से, एक आयुर्वेद की परिभाषा से लोग सवाल पूछते हैं कि मधुर, अम्ल और लवण, ये 6 रसों में से ये जो 3 रस हैं जो पहले जो गिनाए गए हैं वो तो हम बहुत मतलब नॉर्मली भी हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। मधुर रस तो आजन्म साथ में करके बोला गया है, तो फिर यहाँ पे हम लोग अगर शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करें तो उसमें बुराई क्या है? तो ये एक बहुत आम सा सवाल पेशेंट भी पूछते हैं कि हम तो शुगर शक्कर तो हम लोग बचपन से खाते हैं, मीठा तो सबको पसंद होता है, तो ये चीजें खाने से दिक्कत क्या होती है? तो मैं आयुर्वेद के बैकग्राउंड से मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि भले 6 रसों में सभी रसों का वर्णन है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सब रसों का उसमें वर्णन है, लेकिन जो आज हम लोग टेस्ट करके बोलते हैं, स्वाद जिसको बोलते हैं, वो स्वाद और रस इनमें बहुत सारा अंतर होता है। तो ये शब्दों में हम लोग न फंसे। मधुर रस ये आजन्म साथ में है, लेकिन मधुर रस मतलब स्वीट टेस्ट या शुगर की टेस्ट ऐसा नहीं होता। मधुर रस ये बहुत सारी जगह पे हम देखने को मिलता है कि मधुर रस वाली वनस्पतियां भी होती है, दूध का स्वाद भी या दूध का रस भी मधुर बताया गया है। तो ये सिर्फ मधुर रस मतलब कोई भी हम लोग बिस्किट उठा के खाए या हम लोग केक खाए और मधुर रस हम खा रहे इस तरह से धारणा करें तो ये गलत है। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मधुर रस जो आयुर्वेद में बताया गया है वो और टेस्ट में बहुत सारा अंतर है। अधिक मात्रा में हम लोग मधुर, अम्ल, लवण खाएंगे तो उसके तो हानिकारक क्या होता है, उसमें क्या हानियां होती है, ये आयुर्वेद में भी अच्छी भली भांति वहां पे गिनाया गया है। जिससे जंग लग जाता है शरीर में उसको जंग फूड बोलते हैं, है ना? ये बहुत सिंपल से परिभाषा हो गई, जिससे जंग लग जाता है वो जंक फूड हो गया। एक नोवा करके एक फूड क्लासिफिकेशन आता है। अब नोवा का फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेटरन्स एडवोकेट्स। सो ये क्लासिफिकेशन, ये जो खास करके जो क्लासिफिकेशन जो डेवलप हुआ है, दैट इज बाय एन इंटरनेशनल पैनल ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन या जो हम लोगों ने देखा है कि फूड किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, वो डिवीजन और ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें अंतर यह है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड एक्सटेंट एंड पर्पसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन अंडर विच फूड अंडरगोज। कोई भी हम लोग अगर चीज लेते हैं नेचर से, जो हम लोग चीज लेते हैं उसमें उसके ऊपर कितनी प्रोसेस होती है, उसको हम लोग किस तरह से दूसरे फॉर्म में ढालते हैं, उसके अनुसार ये नोवा फूड क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो इसमें 4 फूड क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट इज अनप्रोसेस्ड, इज प्रोसेस्ड, इज अनप्रोसेस्ड, इज प्रोसेस्ड है, द फर्स्ट वन, सेकंड इज प्रोसेसरी इंग्रेडिएंट्स, थर्ड इज प्रोसेस्ड फूड्स, एंड लास्ट वन इज द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये नोवा फूड क्लासिफिकेशन के अंदर जो आते हैं उनमें क्या क्या किस तरह से बातें बन जाती हैं। सो वेरी फर्स्ट इज अनप्रोसेस्ड और मिनिमल प्रोसेस्ड। सो आपको देखने के पता चलेगा दिस इज द कैटेगरी विच इज द मोस्ट हेल्दी, सबसे हेल्दी कैटेगरी जो है अनप्रोसेस्ड और मिनिमली प्रोसेस्ड है। तो इसमें आपके फल सब्जियां आ जाएंगे, इसमें पल्सेस, दाल, गेहूं, चावल, दूध, अंडा, चिकन, मटन, ये सारी जो चीजें जो है दे आर अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड है। सो इसमें से जो एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, वो सिर्फ सेपरेट किए जाते हैं, उसमें से हल्का सा मॉडिफाई किया जाता है
उसमें से जनरली उसमें कोई सब्सटेंस या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया जाता, और ये मिनिमली प्रोसेस्ड जो फूड आइटम्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं अनप्रोसेस्ड और मिनिमल प्रोसेस्ड, विच इज वन ऑफ द बेस्ट फूड टू कंज्यूम। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड जो कैटेगरी है वो है प्रोसेस्ड कलिनरी इंग्रेडिएंट्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स है जो नेचर से ही मिलते हैं और नेचुरली है, उसमें दूसरी कोई चीज उसमें मिलाई नहीं जाती या उसमें कोई एडिशनल कलर नहीं मिलाए जाते। सो ये दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर और फूड्स एंड यूज्ड टू प्रिपेयर, कुक एंड सीजन द ग्रुप वन फूड्स। ग्रुप वन फूड्स मतलब जो हम लोगों ने इसके पहले देखा है मिनिमली प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड फूड, उनके लिए जो फूड इस्तेमाल किए जाते हैं या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका 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 समावेश जो है इस कैटेगरी में किया जाता है। जैसे कि हम लोग आमतौर पर होता है या सॉल्ट, टेबल सॉल्ट होता है, शुगर हो गए, ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, मतलब जो बटर हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ये मिनिमली प्रोसेस्ड, आई एम सॉरी, ये प्रोसेस्ड कलिनरी इंग्रेडिएंट्स इसके दायरे में आ जाती है। नाउ थर्ड कैटेगरी इज द प्रोसेस्ड फूड विच जनरली फॉर्म्स अवर बल्क ऑफ द डाइट। तो ये ग्रुप वन के जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्रुप वन के जो फूड्स हैं, दे आर मॉडिफाइड विद द एडिशन ऑफ सॉल्ट, शुगर, मतलब जो सेकेंड ग्रुप वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिला के जो 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 चीजें तैयार होती है, जो पदार्थ बनते हैं, जो खाने की चीजें बनती है, उनको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। अब ये प्रोसेस्ड फूड्स जनरली हम लोग जो खाते हैं, जैसे रोटी भी हो गई तो भी वो प्रोसेस्ड फूड हो गया, दाल अगर हम लोग पका के खाते हैं तो भी वो प्रोसेस्ड फूड हो गया। ये सारी जो चीजें जो जनरली ज्यादा है आमतौर पे, ये सारी हो गई प्रोसेस फूड्स। अब ये प्रोसेस फूड्स जो है, अब प्रोसेस फूड्स में भी सॉल्ट एंड शुगर एंड ऑयल, ये सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन इनमें और जंक फूड में सबसे अहम या महत्वपूर्ण चेंज ये है कि यहाँ पे हम लोग प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं ये घर पे कर रहे हैं, या हम लोग कोई बाजार की चीजें इसमें नहीं डाल रहे हैं, कोई हम लोग उसमें कलर नहीं ऐड कर रहे हैं, और दीज आर द कुक्ड अंडर द सुपर हाइजेनिक एनवायरमेंट ऑफ अवर होम। तो ये प्रोसेस्ड और ये जंक फूड में अंतर है। नाउ द लास्ट इन दिस कैटेगरी इज द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इसमें नेचर से ही चीजें ली गई हैं, उसमें ग्रुप टू की भी है, लेकिन ये चीज इस तरह से या इतनी हद तक उसमें प्रोसेस हो जाती है कि आपको वो बेसिक इंग्रेडिएंट क्या था, उसमें कहां से शुरुआत हुई और कहां तक खत्म हो गया, उसका आपको कोई अंदाजा नहीं आएगा। कोई भी पदार्थ को जितना ज्यादा प्रोसेस करेंगे, हर प्रोसेस में उसमें उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसमें सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस डलते हैं। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है, ये अकॉर्डिंग टू द नोवा फूड की जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज द वर्स्ट पार्ट विच इज टू बी ईटन एंड गिवन टू अवर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए खास करके सबसे ज्यादा हानिकारक कोई ग्रुप है तो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का ये ग्रुप है। एक न्यू टर्मिनोलॉजी है इन पीडियाट्रिक्स, द जे यू एन सी एस फूड्स। अगेन द प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम, जंक फूड, बट यहाँ पे जे यू एन सी एस स्टैंड फॉर, द जे स्टैंड फॉर जंक, विच इज हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर, इन शॉर्ट विच इज नोन एज HFSS। अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स जो अभी हम लोगों ने देखा है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स क्या होता है, न्यूट्रिशनली इम्प्रॉपर फूड। न्यूट्रिशनली इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी एक द फैट ही बहुत ज्यादा मात्रा में है, या सॉल्ट ही बहुत ज्यादा मात्रा में है, या शुगर ही बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उसमें बाकी चीजें जो होनी चाहिए, विटामिन होना चाहिए, या बाकी जो जो चीजें जो अहम है जैसे फाइबर्स है, ये बहुत ही मिनिमली कम है, ऐसे होगी न्यूट्रिशनली इम्प्रॉपर चीज। फोर्थ इज द कैफिनेटेड एंड कार्बोनेटेड एंड कलर्ड ड्रिंक्स। ये I'll come back, slowly and steadily we'll define this topic also. The caffeinated, carbonated and colored, इनका हद से ज्यादा इस्तेमाल आजकल के आम घरों में भी पाया जाता है। The last one is the sugar sweetened beverages. So again, the sugar sweetened beverages में तो उसमें carbonated water नहीं होगा, लेकिन इसमें sugar sweetened होगा, तो उसमें जो भी चीजें चाशनी से मिलाई जाती है, चाशनी से जो बनाई जाती है, इसमें हमारे सभी शरबत आ गए, तो वो चीजें जो है ये जंक्स के डेफिनेशन में आ गई। ये न्यू टर्मिनोलॉजी अभी पीडियाट्रिक्स में बन गई है,
क्योंकि इसके इस्तेमाल के ओवर यूजेज के कारण बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आज हम लोग देखते हैं या पाए जाते हैं। नाउ स्लोली एंड स्टडीली विल डिस्कस वन एंड वन टॉपिक। नाउ वी टॉक अबाउट फ्रूट जूस, फ्रूट ड्रिंक्स एंड नेक्टर। बहुत आम तरह से हम लोग फ्रूट जूसेस का आजकल जो मतलब पैकेज्ड जो फ्रूट जूस है जिनमें फ्रूट जूस बतौर पे लिखा जाता है, हालांकि वो फ्रूट जूस नहीं होते, या फ्रूट ड्रिंक्स होते हैं जैसे एप्पी हो गया या कोई मैंगो का फ्रूट ड्रिंक्स हो गया, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बच्चों की छोटी छोटी पार्टियां भी होती है तभी इसका बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल हो जाता है। होटल में जाएंगे तो भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, और काफी घरों में या काफी पेशेंट के साथ हम लोग डिस्कस करते तो पाया जाता है कि ये दे डोंट माइंड गिविंग दिस थिंग टू देयर चिल्ड्रन, जस्ट होपिंग दैट आई मीन कंटेंस लॉट अमाउंट ऑफ फ्रूट, और फ्रूट ऐसे नहीं खाते तो हम इस माध्यम से देते हैं, इस तरह से पेशेंट की भी धारणा होती है। तो ये बहुत गलत धारणा है। जनरली 6वें महीने के बाद में या 7-8 महीने के बाद में जब ऊपर का कुछ देना है तो दे स्टार्ट विद द फूड ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस। तो ये बहुत गलत चीज है। ये क्यों गलत है आगे के स्लाइड में आपको पता ही चलेगा। लेकिन कोई भी फल के माध्यम से जूस निकाल के मत लीजिए, उसके साथ अगर उसी फल हम लोग गुद्दा बनाए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें हम मैश करके दे तो वो अच्छा रहता है। हम लोग उसके फाइटो केमिकल जो है, फाइटो इंग्रेडिएंट्स है, उससे हम लोग छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करते, वो बरकरार रहते हैं। और साथ में चूंकि बात यह होती है कि जब बच्चा पहली बार जब ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से जब हम उसकी उसका डाइट हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक स्टेज ऊपर जाना है, बढ़ोतरी करनी है। तो जितनी डेंसिटी दूध की है उससे हायर डेंसिटी वाला उसको खाना देना चाहिए, तो ही उसकी डाइजेस्टिव पावर जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो और सुधर जाएंगे। जैसे हम दंतोत्पत्ति हम लोग देखते हैं, दंत का उत्पन्न होना, दंत की अभिव्यक्ति होना, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अब खाना खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, खाना चबाने के लिए तैयार हो रही है। तो जब बच्चों की इस तरह से प्रगति हो रही है, उस तरह से उनकी उन्नति हो रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हम लोग फ्रूट जूस या फ्रूट ड्रिंक्स लेके उसको पीछे नहीं हटा सकते, उनको आगे ही बढ़ाना है। तो इसके लिए फ्रूट जूसेस आर नॉट एडवाइजेबल इन दिस इन द इन पीडियाट्रिक्स। बाकी फ्रूट जूस और फ्रूट ड्रिंक इवन 100% आर नॉट इक्विवेलेंट टू होल फ्रूट। चाहिए तो फ्रूट सप्लाई फाइबर्स एंड फाइटोकेमिकल्स टू डाइट विच आर नॉट प्रेजेंट इन जूसेस। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, आप कोई भी अगर आप वेंडर के आप पास देखोगे तो अगर उसमें एक गिलास अगर आपको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑरेंज जूस का, तो ऑरेंज जूस अगर उनको लेना है, उनको बनाना है, तो एक गिलास लेने के लिए कम से कम वो 4 ऑरेंजेस डालता है। कोई भी इंसान अगर खाने के लिए बैठे तो 4 ऑरेंजेस मेरे ख्याल से नहीं खा सकता एक साथ में। तो हम लोग खाएंगे 1 या 2, तो जहां पे हमारी 1 या 2 खाने की क्षमता है हम डायरेक्ट 4 का जूस हम लोग पी लेते हैं, तो पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि उसमें जो रफेजेस है, जो फाइबर्स है, विच इज वेरी इसेंशियल फॉर द डाइजेशन, वो हम लोग हटा देते हैं। तीसरी अहम चीज जो है, हम लोग अगर 2 या 3, मान लीजिए अगर किसी ने बोले कि मैं 4 ऑरेंजेस खा लेता हूँ, तो 4 ऑरेंज खाने के लिए जिसको 15-20 मिनट का समय लगेगा, वो छिलका निकालेगा, वो साफ करेगा, वो खाएगा, और उसी बंदे को, उसी आदमी को या उसी बच्चे को अगर 1 गिलास जूस पीने के लिए बोल देते हैं तो बच्चा जो है 2 मिनट में वो गट से पी जाता है। तो डाइजेशन ऑलवेज स्टार्ट्स इन द माउथ। सलाइवेशन, सलाइवा का उसमें मिलना और वो धीरे 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 अंदर जाना, दिस इज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। वी हम लोग जब जूस पीते हैं तो दिस गेट्स बाईपास्ड, हम लोग ज्यादा जल्दी से जल्दी वो स्टमक में हम लोग ठूस लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट हो गया। सबसे दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात, खास करके छोटे बच्चों में जो हम लोग एडवाइस करते हैं, बच्चों को फ्रूट के साथ में उनको छोटे छोटे टुकड़े दे दो, उनको खेलने, अगर वो खेल भी रहा है तो उनको खेलने दो। इससे बच्चों की सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट हो जाती है। बच्चों को
कोई भी आप संतरा दे उसको पील करने के लिए बोल दो, अगर उसको हम लोग कोई एप्पल दे उसको च्यू करने के बोल दो, उससे उनको कलर में, टेक्सचर में, शेप्स में अलग 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 डिफ्रेंशिएट करने की उनकी एक खास अपनी एक क्या बोलते हैं एक स्किल डेवलप हो जाता है। उनको पता चलता है कि इसका टेक्सचर क्या है, इसमें अलग अलग टेक्सचर कैसे होते हैं, स्वाद अलग अलग कैसे होता है। हम लोग अगर कोई भी चीज अगर उसको फ्रूट जूस के माध्यम से दे रहे हैं तो हम लोग उसमें अगर शक्कर मिला रहे हैं, ऊपर से चीनी सॉल्ट डाल रहे हैं, उसमें से अगर कोई चाट मसाला डाल रहा है, तो बच्चा कभी शुरुआत में जानेगा ही नहीं कि फल का असली स्वाद, असली टेक्सचर क्या होता है। तो उनमें जितना वो करेंगे, जितना वो उसके फ्रूट के साथ में खेलेंगे, उनका ही उतना ही उससे लगाव भी बढ़ेगा और बच्चा जो है फल को अच्छी भली भांति जान लेता है। दूसरी एक और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जब एक्टिविटी जब चलती है, जब बच्चा जब निगल लेता है, खाना खाता है, अगर बाय चांस अगर बच्चे को इफ द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, तो दिस मे हेल्प इन द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द ऑटिज्म ऑल्सो। हाउ? तो ऑटिज्म में बहुत बार पाया जाता है कि बच्चे को कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म की ही आदत हो जाती है या फॉर्म ही अच्छा लगता है, तो कोई एक फॉर्म के बगैर दूसरा फॉर्म जो है द टेक्सचर, अगर उसको दूसरा टेक्सचर मिलेगा तो वो इतने अच्छे से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो वो इतने जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसको अगर इस तरह से दिक्कत जा रही है तो इट कैन बी अ टूल टू अंडरस्टैंड द बेसिक व्हाट इज रॉन्ग विद द चाइल्ड इटसेल्फ। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके उनको फल खाने दीजिए, उनको फलों के साथ में खेलने दीजिए, तो ही बच्चा भी इस चीज का आनंद लेता है और उसको अलग अलग फॉर्म्स और टेक्सचर्स के बारे में पता चलता है। नाउ दिस इज अ वेरी टेक्निकल थिंग कि रिस्क क्या क्या है फ्रूट जूसेस में। तो इन अप्रोप्रिएट यूज इन डायरिया में एग्रेवेट डायरिया, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। खास करके पेडियाट्रिक प्रैक्टिस में डायरिया इज वेरी कॉमन अमंग चिल्ड्रन एंड इन इंडिया इट इज वेरी कॉमन। और कहीं ना कहीं लोग मान के चलते हैं कि बच्चों को डायरिया हो रहा है तो उनको फ्रूट जूस देना है, तो बाजार से जो भी फ्रूट जूस उनको मिलता है, भले वो कोई ब्रांड का रहे, तो वो लेके आते हैं और बीच बीच में उनको पिलाते रहते हैं। तो डायरिया जो है, बहुत बार देखा गया है कि डायरिया में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी फलों का अगर जूस देंगे तो वो शायद एक्स्ट्रा ग्लूकोज के वजह से उनको डायरिया जो है एग्रीवेट होता है, बढ़ता है। बाकी यस देन हाइजीन इज अगेन अ प्रॉब्लम, वो आप निकालोगे कहाँ, किसमें रखोगे, फिर वो बच्चा पिएगा, वही जो यूटेंसिल है वहीं पर रहेगा, मक्खियां बैठती है, तो बहुत सारी बातें होती है। तो इससे अच्छा है कि बच्चों को उसमें हम लोग फ्रूट जूस ना दे, सबसे बढ़िया बात है। फ्रूट ड्रिंक्स आर ऑलवेज यस फ्रूट ड्रिंक्स, क्योंकि उसमें फ्रूट ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है, तो इट विल डेफिनेटली अ कॉमन कॉज ऑफ टूथ डिके एंड पीकी फीडिंग। Unpasteurized juices can be a source of serious bacterial infections. Probably I need not to explain this. You may understand this. Change in bowel habits. Now understood very well. Change in bowel habits are observed with fruit drinks due to carbohydrate malabsorption. बहुत बार पढ़े लिखे लोग भी ये गलतियां कर जाते हैं कि उनको लगता है कि कुछ खाना खाने के बाद में या खाना खाने के साथ भी बच्चों को थोड़ा सा एक गिलास जो है वो जूस बच्चों को पिला देते हैं। तो बॉयल हैबिट्स अगर बच्चों की चेंज हो रही है, उनमें बार बार अगर पेट फूलना, पेट में दर्द होना, दस्त होना, या पेट में गड़बड़ी होना, कभी कभार बच्चों का खाने के लिए ज्यादा मन नहीं होता, ये जब इस तरह से जब केस हिस्ट्री हम लोग लेते हैं तो बहुत बार पाया जाता है कि बच्चों को फ्रूट जूस पीने की बहुत आदत है। और ये आदत ऑफकोर्स पेरेंट्स ने लगाई होगी है, तो उनको ये घर में ही आदत है कि बहुत ऐसा लगता है कि फ्रूट जूस पिए तो बहुत हेल्दी कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर आपके पास में इस तरह से अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो जरूर हिस्ट्री में पूछ लीजिएगा कि फ्रूट जूस पीने की या बहुत ज्यादा अननेसेसरी फ्रूट जूस पीने की बच्चों में आदत है क्या। फ्यू स्टडीज इंडिकेट, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, few studies indicate that intake of fruit juice in huge quantity, please understand, in huge quantity is associated with short stature, obesity, diabetes and malnutrition. Here huge quantity matlab ek hi din mein bahut sara peena aisa nahi hai, lagatar nirantar usme agar is tarah se aadat ban jati hai
दे आर द स्टडीज विच शो कि उसमें शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाती है, ओबेसिटी बन जाती है. डू नॉट गिव पैकेज फूड ड्रिंक्स और पैकेज फूड जूसेस ड्यूरिंग इलनेस व्हाटएवर. तो फॉरगेट अबाउट डायरिया. अगर कोई भी अगर बीमारी है तो बच्चों को कृपा करके पैकेज फ्रूट जूस मत दीजिए. अगर आपको लगता है बच्चों में कुछ देना चाहिए तो उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उनको फल खाने के लिए लगाइएगा, लेकिन उनमें जूस कतई नहीं देना है. देयर इज वन सीरियस टॉपिक, एनर्जी ड्रिंक्स. नाउअडेज एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत बवाल है. एडोलेसेंट जो बच्चे हैं या कहीं ना कहीं उनको पढ़ते हैं, कहीं कहीं देखते हैं, पीयर प्रेशर होता है उनमें, साथ वाले बच्चे, एनर्जी ड्रिंक्स का आजकल बहुत प्रचलन है. बहुत जगह पे हमने भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है 11-12 साल के साइकिलिंग के लिए जाते हैं, साइकिल करा करा के फिर कहीं एक दुकान में जाएंगे एंड एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं. एंड सिंस इट गेट्स एडवर्टाइज एज अ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, उसमें कुछ नहीं है, आप एनर्जी मिलती है, तो लोगों को वाकई में लगता है कि बहुत एनर्जी इसमें मिलेंगी. तो ऐसा नहीं होता है कि इसमें स्टिमुलेंट्स होते हैं, कैफीन, जिंसन, बहुत अलग 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 तरह के इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स में डले होते हैं कि दे एक्ट एज एन स्टिमुलेंट्स टू एनहांस फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस. अब इसमें पूरी बात क्या है, तो कैफीन कंटेंट अगर हम देखेंगे, कोई जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकने वाले जो ब्रांड्स है, तो उनमें अगर देखोगे तो करीबन उसमें 320 कैफीन कंटेंट जो होता है, दैट इज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है 310 से लगभग 150-200-250. ये जो कैफीन कंटेंट है ये बहुत बुरा कैफीन कंटेंट है बच्चों के लिहाज से, या फिर फॉर दैट मैटर फॉर बड़ों के लिहाज से भी. व्हाट इज द रिकमेंडेड इनटेक ऑफ कैफीन? कैफीन की रिकमेंडेड इंटेक बच्चों के लिए दैट इज ओनली 2.5-6 मिलीग्राम पर केजी पर डे, इतनी ही है. एडोलेसेंस की 100 मिलीग्राम पर डे एंड एडल्ट्स इज 400 मिलीग्राम पर डे, इतनी ही बनती है. तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में, पिछला जो हम लोगों ने स्लाइड देखी है, पिछली स्लाइड, तो जहां 2.5, 6 और 100 के दायरे में है, वहां पे 320, 310, 196 बहुत ऐसे ऐसे डरावने आंकड़े हम सामने आ जाते हैं. तो इतनी अधिक मात्रा में अगर कैफीन बच्चा लेता है तो ओवर स्टिमुलेशन इज वेरी बैड फॉर चाइल्ड एंड वेरी बैड फॉर एडोलेसेंस. तो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से बच्चों में ADHD जैसे जो बीमारियां हैं वो बन जाती है. ये खास करके जो कैफीन की जो मैं स्लाइड बता रहा हूँ, ये सिर्फ या सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स में ही पाई जाती है, ऐसा नहीं है. बहुत घरों में छोटे बच्चों को भी चाय या कॉफी पिलाने का प्रचलन है. हम जब पूछते हैं कि नाश्ते में क्या करता है बच्चा, तो बोलते हैं कुछ नहीं, मतलब रोटी देते हैं, उसके साथ में एक कप चाय पी जाता है, शाम में भी वही हो जाता है. तो उसको चाय बड़ी पसंद है, तो उसके साथ में बिस्किट दे जाते हैं, तो जाके बच्चे का पेट भर जाए. तो ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट ऑफ गिविंग टी टू चिल्ड्रन. वाई एक 250 ml की एक चाय की प्याली में, मतलब एक कप चाय में लगभग कैफीन की मात्रा होती है 60 मिलीग्राम. सेम कॉफी के एक कप में होती है 100 मिलीग्राम एंड एनर्जी ड्रिंक में होती है वो तो हम लोगों ने देखा ही 150-500 मिलीग्राम पर कैन. तो ध्यान में रखिएगा, अगर चाय में 60 मिलीग्राम उनको मिल रहा है एक कप या एक प्याली में, तो हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों को कैफीन दे रहे हैं, जिसमें ऑफ कोर्स बच्चों को एडिक्शन जल्दी लग जाएगी कैफीन की. और यही जो बच्चे हैं खास करके, जिनमें बहुत जल्दी हम इसका प्रचलन करते हैं चाय कॉफी का सेवन कराने का, वो बहुत जल्दी दूसरी आदतों में या दूसरी जो एडिक्शन है उसके भी शिकार बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि दे आर नाउ यूज टू गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैफीन इनसाइड देयर बॉडी. नो टी एंड नो कॉफी, आई मीन आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड ऑल पीडियाट्रिशियंस दे ऑलवेज स्ट्रांगली रिकमेंड नो टी एंड नो कॉफी इन चिल्ड्रन एटलीस्ट बिलो 5 years. 5 साल के नीचे बच्चों को कॉफी या चाय बिल्कुल नहीं पिलाना है. उसके बाद भी ना पिलाएं तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए उसके बाद में आपको देना ही है, तो एक कप चाय पर डे इसके ऊपर नहीं देना चाहिए.
दिस इज टिल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि एनर्जी ड्रिंक्स क्या है, फूड जूसेस क्यों नहीं देने हैं, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स एंड व्हाट इज अनप्रोसेस्ड एंड जंक फूड ऑल सेड एंड डन. Now, how to make children food eaters? You know, that is what we are more interested in. So, एक से दो साल का जो बच्चा होता है, so make children eat by themselves. उनको खुद खाना खिलाना, मतलब खाने की उनको दे दो, उनको उनकी प्लेट तैयार कर लो. जैसे हम बड़ों की प्लेट सजाते हैं, वो इसी तरह से छोटों को भी उसी तरह से प्लेट देनी है, अपने साथ ही उनको बिठाना है. And then please try and understand that children will be more interested in the world around. आजू बाजू क्या हो रहा है उसके ही ऊपर उनका ध्यान ज्यादा जाएगा, वो आप पे ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे. लेकिन आप अगर नेचर के करीब उनको लेके जाएंगे, लेके जाना मतलब उठा के बच्चों को बगीचे में नहीं लेके जाना है, तो बच्चों आजू बाजू जो देखता है उसी तरह से अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स या कलर्स में अगर आप उसका उसका जो डिश है या उसकी जो फूड आइटम्स है वो अगर प्रेजेंट करोगे, तो द चाइल्ड विल गेट मोर अट्रैक्टेड एंड मोर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग. वो अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं 5-6 साल तक, उनमें खेलने कूदने की ही क्षमता ज्यादा होती है. उनका माइंड जो है, उनका ब्रेन जो है, इट इज डिजाइन टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, इट इज डिजाइन टू प्ले, इट इज डिजाइन टू मूव अराउंड. वो स्टेशनरी कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि ये उसकी नेचुरल ब्रेन में दी गई एक स्टिमुलेशन है. वो लोकोमोटिव करेगा, यहां से वहां कूदेगा, तो आपको उसको उसी निहा उसी तरीके से उससे बात करनी है, उसी तरीके से उसका खाना प्रेजेंट करना है, तो द चाइल्ड जो है दैट विल बी मोर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ फूड ईटिंग. 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है, दैट विल ऑल ऑफ अ सडन चाइल्ड विल डेवलप स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स. तो कोई एक बच्चा रहेगा, उसको यकायक आप मतलब माँ बाप बोलते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे से खाता था, आप बेचा बहुत नाटक कर रहा है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है. सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड विल डेवलप सच काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स एंड लाइक्स, बिकॉज उसके ब्रेन में अलग अलग अपनी एक पर्सनैलिटी बनना भी चालू होती है. हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है. जब हम लोग आयुर्वेद का पक्ष देखेंगे, आयुर्वेद के बारे में जब लास्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, तब आप प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, उसके बारे में जानेंगे. उसका एक मैं आपको विवरण दे देता हूँ. हर बच्चे का अपना एक स्वभाव है, अपनी एक प्रकृति है, अपनी एक मानस प्रकृति है. बच्चा उसी तरह से ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स डेवलप करेगा. तो कोई भी अगर बच्चा आज अगर एक चीज ना बोलता है, तो तुरंत उसके पीछे मत पड़ो, उसके ऊपर हावी मत हो जाना. दैट मे चेंज आफ्टर एवरी वीक और सो, 10 दिन के बाद में वही बच्चा वही चीज बहुत अच्छे चाव से खाएगा, तो वो बहुत इसमें सीरियस इश्यू लेके बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, अगर बच्चे का वाकई में वजन बहुत कम हो रहा है या उसमें ग्रोथ की कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो ही अगर आप पेडियाट्रिशियन को दिखाना चाहते हो दिखा सकते हैं. अदरवाइज कोई उसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है. अलग अलग चीज उनको देना चालू करेगा, चाइल्ड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द न्यू फूड आल्सो. फ्रॉम 4 इयर्स Children generally takes lot of time to finish meals. Now this is a problem every child and every household has, and then every parent will definitely make it an issue. अपने पास आएंगे, बताएंगे उसको भूख ही नहीं लगती डॉक्टर साहब, इतना समय लेता है खाना खाने के लिए, 15-15 मिनट एक ही चपाती खाएगा, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा बस वो बैठे रहता है. तो please try and understand this is a phase where child will take lot of time to finish their. क्यों? बिकॉज दे गेट इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाई गेम्स, टॉयज, फ्रेंड्स, नीचे दोस्तों की आवाज आ रही है, कोई खेल रहा है, यहाँ वहां कोई खिलौना नया आ गया है, उसके साथ में खेलेंगे. बच्चा जितना वो खिलौने के साथ खेल रहा है, साथ साथ में वो खाना भी खा रहा है, तो उसका ज्यादा ध्यान वो खिलौने की तरफ ही जाएगा. क्योंकि कोई भी खिलौना है, बच्चों को कोई नई चीज ही सिखाता है, कोई नया मोटर एक्टिविटी सिखाता है. पेडियाट्रिक्स में या कौमार वृद्ध में इसीलिए काश्यप संहिता में भी क्रीड़ानक मतलब खिलौने का बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है. क्रीड़ानक कैसे होने चाहिए, क्रीड़ानक बच्चों को देना ही चाहिए, उनके साथ में ही उनकी ग्रोथ होती है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है. तो कोई जबरदस्ती नहीं है. प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड विल सिट लाइक व्हाट एडल्ट सिट एंड वही उसी तरह से उसी टेबल मैनर्स लेके वैसे ही खाना खाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए, उनको गेम खेलते खेलते आप खाना खिलाएंगे, भले वो 1-1.5 घंटा लगाएंगे, तो वो लगने दो,
वही उनकी फितरत है, वही उनकी ब्रेन की बनावट ही वैसी बन जाती है। एंड देन कोई अगर चीजें नहीं खाती है तो डोंट नो डोंट वरी अबाउट दिस, कुछ दिनों के बाद में, कुछ हफ्तों के बाद में फिर वही चीज दे दो, बच्चा खाएगा। एंड अगर एक बार एक हाथ दूसरा बार अगर बच्चा अगर बोलता है कि मुझको खाने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस उसे बात कर लीजिएगा उनको खाना क्यों खाना है, या कोई भी अगर चीज हम लोग नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों खानी है उसकी अहमियत बताइएगा, उसका फायदा क्या होता है बताइएगा। धीरे 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 बच्चा विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट फूड आइटम। ड्यूरिंग 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन विल ईट अकॉर्डिंग टू देयर ओन एपेटाइट, जितनी भूख है उतना ही खाएगा, आप कितना भी जोर जबरदस्ती करो बच्चा जितना भूख होता है उतना ही खाएगा। एंड उसमें खास करके मैंने ये पॉइंट लिखा है, प्लीज अप्रिशिएट देयर गुड फूड हैबिट्स एंड इग्नोर बैड ईटिंग हैबिट्स। ऐसे ही इसी तरह से आपको खाना है, दाएं हाथ से खाना है या पूर कभी ये गिराना नहीं है, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। इस तरह से अगर कंटिन्यूस नैगिंग करते रहोगे तो बच्चों को खाने की जो प्रोसेस है उसके ही प्रति एक एवर्जन तैयार हो जाती है। बच्चों को खाना खाना मतलब एक बहुत बड़ा मतलब कठिन कार्य लगता है, उसको अपने मन से खाना खाने के लिए अनुमति दीजिए तो चाइल्ड विल बिकम अ गुड फूड ईटर। नाउ द फ्यू मोर टिप्स, ऑफर न्यू फूड आइटम्स ओनली व्हेन चाइल्ड इज हंग्री एंड लिमिट स्नैक्स थ्रू आउट द डे। जब बच्चों को कोई नई चीज आपको देनी है, ट्राई करनी है, तो जब बच्चों को वाकई में बहुत भूख लगती है तो ही दे दीजिएगा। उसके साथ में अगर आप कोई नई चीज न्यू फूड आइटम उसके फेवरेट फूड के साथ में अगर आप दोगे तो बच्चे को एक्सेप्टेंस और जल्दी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर बच्चों को कोई पराठा अच्छा लगता है और आपको कोई कोई खास करके कोई न्यू फूड आइटम उसके उसको इंट्रोड्यूस करना है तो उसके उसी पराठे में उसको बोल के उसको बता के उसमें ऐड कर लीजिएगा तो बच्चों को वो टेस्ट जो है वो अच्छा लगेगा, एक्सेप्टेंस होगा। इफ यू कैन मेक अ योर चाइल्ड अ पार्ट ऑफ द टीम, मेरे कुकिंग टीम में, उसको बोल दीजिएगा कि ये इस तरह से स्लाइस कर लो, या तू मेरे साथ में आ जा, बाज बगल में बैठ जा, चल तू थोड़ा सा आटा गूंद ले, ये कर ले, तो धीरे 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 चाइल्ड विल लव द प्रोसेस एंड चाइल्ड विल गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो ये न्यू फूड आइटम्स जो है, आप कोई भी हेल्दी खाना उनको खाना खिलाना चाहते हो तो वो धीरे 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 वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन लास्ट, प्लीज रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। अगर बच्चा बोलता है कि आज मुझे ये नहीं खाना है तो जबरदस्ती मत कर लीजिएगा, उसके चॉइस को रिस्पेक्ट कर लीजिएगा, तो ही धीरे 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 बच्चा आपका काम मानेगा एंड द चाइल्ड विल आल्सो रिस्पेक्ट योर इंस्ट्रक्शंस। और यस, दिस इज अगेन लिमिट कंजम्पशन ऑफ जंक्स टू नॉट मोर देन वन सर्विंग पर विन। अब जंक फूड नहीं देना है, नहीं देना है, यही हम लोग अब तक बता रहे थे। ये देना है क्यों? तो चाइल्ड शुड नॉट फील डिप्राइव, तो बच्चों का ऐसा भी ना लगे कि भैया सब कुछ तो सब लोग तो खा रहे, टीवी पर तो जोरों शोरों से बता रहे, हमारे मम्मी पापा नहीं दे रहे। तो ये एक बार अगर कभी कभार अगर मान लो दे भी दिए तो एक छोटा सा मतलब पिज्जा लेना है तो एक छोटी स्लाइस दे दो, बच्चे को खाने दो। मान लो ये बुरा है, लेकिन शुरुआत में अगर आप करोगे तो धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा उसको खुद ही पता चलेगा, स्कूल में तो बताया जाता ही है कि ये चीज बुरी है, तो बच्चा इतने जोर से नहीं मांगेगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे तो द चाइल्ड विल डेफिनेटली डिमांड फॉर मोर एंड मोर। तो द अदर थिंग्स विच आर वेरी कॉमन, नो फ्रूट जूसेस, टी, कॉफी बिलो द एज ऑफ 2 years, आई वुड डेफिनेटली रादर विद अ पीडियाट्रिशियन ऑलवेज रिकमेंड not below the age of 5 years for that matter, and encourage child to drink more coconut water, lassi, milk, buttermilk, etc. So this is again a very important point. Be a role model for your children by adopting healthy eating habits yourself. Agar ghar mein maa baap hi agar bolte hai ki yaar mujhe to baingan ki sabzi bilkul pasand nahi hai, to please do not expect your child to eat baingan. Agar aap hi agar is tarah se anakani karoge to bachcha definitely वो आपको खाने में वही रंग दिखाएगा। तो बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, तो बच्चा जो है तो आपकी बात जरूर मानेगा। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पार्ट, सी आयुर्वेदा बिलीव्स इन इंडिविजुअलिटी विद द कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रकृति, धातु सारता, मानस प्रकृति। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल सेड एंड डन, ये हम लोगों ने सब देखा अभी कि बच्चों को किस तरह से अच्छा ईटर बनाना है, हेल्दी ईटर बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जान लीजिएगा कि आयुर्वेद जो है वो हर इंडिविजुअल को एक अलग दायरे से या अलग नजरिए से देखता है। जो प्रकृति हमारी है
वो प्रकृति बच्चों को भी है। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे की प्रकृति वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, कफ है या कोई भी चीज की प्रकृति है, तो बच्चों की साधारण जो चॉइसेस है, साधारण जो खाने पीने की आदतें हैं, वो उसी प्रकृति के अनुसार ही रहेंगी। अगर बच्चे में धातु सारता, कोई विशेष धातु सारता ज्यादा है, तो बच्चों की मन धारणा या बच्चों की मानस प्रकृति और बच्चों के खाने के चॉइसेस उसी अकॉर्डिंग रहेंगी। अगर कफ प्रकृति का बच्चा है तो उसको खाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये अपना आयुर्वेद का एक क्या बोलते हैं स्पेशलिटी है। ये आप ही से बता सकते हो कि आपने आपके अगर घर पे या आपके क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है, तो पेशेंट के माँ बाप को समझाइए कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर वो वात प्रकृति है तो बहुत अच्छा है, द पेशेंट द चाइल्ड इज पैक्ड विथ लॉट ऑफ एनर्जी, तो उनको कहीं एक जगह पे बिठाने की ज्यादा कोशिश मत करो। वो जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते भागते भागते ही खाएगा। तो उसी तरह से जिस तरह से प्रकृति बन रही है बनी है, उसी तरह से बच्चा जो है अपने गुण जो है ये दिखाएगा। नाउ यस, दिस इज आहार ऑफ मदर बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। ये तो आयुर्वेद में चरक शरीर स्थान में बहुत सारे श्लोक इसके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मॉडर्न में भी बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। सो नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लीज अंडरस्टैंड, बिफोर कंसेप्शन ऑल्सो, मम्मी के, माँ बाप के या फिर माँ के जो भी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स है, वो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो करते ही करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो माँ का रस धातु है, वही रस धातु जो है वो बच्चे का बच्चे को पोषित करता है। रस धातु से ही मन का पोषण होता है, तो मन की तुष्टि पुष्टि ये सभी जो है ये रस धातु के प्रभाव के कारण होती है। तो ये रस धातु का ही अपना एक प्रभाव होता है, और इसीलिए माँ का गर्भावस्था में जो भी फूड हैबिट्स जो बताई गई है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के बच्चों की क्या लाइकिंग्स रहेंगी, क्या डिसलाइकिंग्स रहेंगी, इसका बहुत सारा निर्धारण जो है इस अवस्था में बन जाता है। काल एंड ऋतु ऑफ कंसेप्शन कॉन्ट्रीब्यूट इन चाइल्ड फूड हैबिट्स, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये किस तरह से होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। आप कभी मतलब ये दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद शास्त्र ऑल्सो। आप कभी देख लीजिए जिनका दिस इज एन एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल नहीं है, जिनका बर्थडे जून के महीने में आता है, उनको खास करके दही खाने की बहुत इच्छा नहीं होती है, दही उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। ऑन एन एवरेज, कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज इन जून के महीने में जिनका बर्थडे आता है, उनको दही से बनी चीजें अगर खाते हैं तो उनको दिक्कत भी जाती है, उनको कोई परेशानी भी होती है, तो वो दही जनरली अवॉइड करेंगे। अब ये क्या अवॉइड करेंगे, अगर उनका कंसेप्शन आप देखोगे तो कंसेप्शन 9 months बिफोर जिस ऋतु में होता है, उस ऋतु का आप अनुष्ठान देखिए, उस ऋतु के आप संगठन देखिए, उस ऋतु में वही चीजें जो है आयुर्वेद शास्त्र में नहीं खाने के लिए बोली है। जो ऋतु चक्र है या जो ऋतुचर्या है, जो ऋतुचर्या में बताई गई है, जो चीजें खास करके न खाने के लिए बताई गई, अगर वो चीज ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उसकी माँ अगर खाती है, तो बच्चों में उस फूड टाइप का एवर्जन बाद में बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने नोटिस करके रखी है। तो ये इस तरह से, अगर आप कोई खास करके अगर कोई बोलता है कि मुझे मेरे बच्चों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसका बर्थडे क्या है उसके अकॉर्डिंगली जस्ट गो बैक 9 months 10 months, कंसेप्शन कब हुआ रहेगा अंदाजन देख लीजिएगा, और आपको वो ऋतु पता चल जाएगा। फिर ऋतु के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि उस बच्चे का संगठन कैसे बन गया है, और वो बच्चा जो है वही फूड आइटम्स डेफिनेटली अवॉइड करेगा खाने में। Now the last point is, I need not to stress it too much, junk food eating mothers will definitely have junk food eating babies. तो अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा junk food न खाए, तो ये बहुत सारा मम्मी के या माँ के ऊपर निर्भर होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट जब होती है, तब अगर वो ये सारी चीजें न खाए, तो बच्चा जो है ये चीजें जनरली इन चीजों के पीछे नहीं भागता। तो with this
I hope I have at least solved some of your queries. और क्यों किस तरह से डाइट प्लान करना है या किस तरह से बच्चों को अच्छा खाने का क्या बोलते हैं खाने की आदत किस तरह से बच्चों को डालनी है, ये हमने छोटे से स्लाइड में या छोटे से प्रेजेंटेशन में देखा है. सो द टेक अवे में देर आर फ्यू पॉइंट्स. प्लीज ट्राई एंड अवॉइड ड्रिंकिंग टी बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स. कैफीन वाली चीजें आपको नहीं खानी है. फ्रूट जूसेस फ्रूट ड्रिंक्स एब्सोल्युटली नो नो. एंड जंक फूड फास्ट फूड ये चीजें नहीं खाएंगे. जितना हो सके उतना अनप्रोसेस्ड या मिनिमली प्रोसेस्ड चीजें खाएंगे तो आपकी सेहत जो है बनी रहेंगी. सो विद दिस आई रियली थैंक ऑल द विजिटर्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी.